हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज का संडे के दिन है, आज दोबारा हमारे वैक्सीनेशन ड्यूटी है हमारी, तो चलते हैं भी वैक्सीनेशन की ओर और मिलते हैं आपसे आगे। पहुंचे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आगे निकलते हुए फाइनली यहाँ पर बापा यहाँ पहुँचे हैं, ऑफिस पे पहुँच गए हैं, ऑफिस का वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच गए हैं। ये तहसील वाला है पिथौरागढ़ में, कहाँ पर का वैक्सीनेशन सेंटर लग रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर है। मैं आपको बताता हूँ, एक आपका आता है पहले पर तहसील एसटीडी क्लिनिक है, वहाँ पर कोवैक्सीन लग रही है, और दूसरा उसके बाद आपका लेडीज़ हॉस्पिटल, वहाँ पर भी कोवैक्सीन लग रही है। उसके बाद देखा जाए तो कोवैक्सीन लग रही है आपकी जी आई सी में, आपकी कोवैक्सीन लग रही है, और आपको कोविशील्ड लग रही है आपकी तहसील में, जहाँ पर मैं हूँ ओल्ड तहसील है आपको, ये आपके डीएम कार्यालय की अपोजिट साइड पर है। और उसके बाद आपकी लग रही है कोविशील्ड देवसिंह में, देवसिंह फील्ड में, हाँ दो जगह लग रही है, एक और लग रही है आपके स्टेडियम में, तीन जगह आपकी कोविशील्ड लग रही है, तीन जगह आपकी कोवैक्सीन लग रही है, और मोबाइल वैक्सीनेशन भी चल ही रहे हैं हर जगह पर। तो पिछले तीन चार दिन से मोबाइल वैक्सीनेशन पे था, आज संडे के दिन भी ड्यूटी कर रही है मैंने, ड्यूटी लगा रखी है। चलते अंदर की ओर, अभी पुराना तहसील था अभी यहाँ तक है तहसील। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर पीछे गार्डन है, यहाँ पर को आप वैक्सीनेशन लगा के आधे घंटा बैठ सकते हैं, यहाँ पर को बढ़िया जगह है बैठने की। और अभी देखा जाए तो ना थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है बोला जाए तो, क्योंकि पर डे अभी 40,000 केस आ रहे हैं अभी ऑल ओवर इंडिया में। आज ही एक बार पढ़ रहा था मैं, अभी हमको 330 लोगों की मौत हो गई है, बहुत बुरा लग रहा है जिसके घर पे ये हो रखा है। लेकिन आप जनता ये नहीं समझती कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे ना आपकी दुकान बंद होगी। लोग बाजार में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, और कोरोना आ गया भाई चांस, तीसरी वेव आ गई अच्छे से, पूरा दोबारा लॉकडाउन लगेगा, फिर दोबारा आप सभी को दिक्कत होगी। इसलिए बोल रहे हैं प्रॉपर मास्क पहने, हर चीज़ पहने, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ ना इस टाइम पर। और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था 67.79% मतलब करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है, 130 करोड़ में से 67% को अभी वैक्सीनेशन लगा है, तो अभी बहुत है वैक्सीनेशन लगाने वाले। कुछ लोग अभी भी बहुत लोग हैं जो अभी डर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। आप जितनी जल्दी वैक्सीनेशन लेंगे उतना सबके लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा, थर्ड वेव आने के चांसेस कम होंगे। टीके बच गए हैं, 11-10 हो गए हैं, दो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन लेने चल रहा है। और दिन तो बहुत भीड़ है, आज संडे के दिन लोगों को पता नहीं चल रहा है स्लॉट खुले नहीं खुले हैं, तो स्लॉट खुले हैं सबसे यही बोलेंगे, संडे को भी वैक्सीनेशन हो रहा है और सारे डिस्ट्रिक्ट सारे वार्ड में सारे डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, गाँव गाँव जाकर वैक्सीनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए मास्क उतार रखा है मैंने। आपको बताते हैं यहाँ पे हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, जिसमें हम टाइम लिखते हैं किस टाइम ओपन कर रखी है, और डेट लिखते हैं किस दिन यूज कर रखी है, तो और एक वाइल से हमारे एटलीस्ट 10-11 डोज निकलती हैं। और सिरिंज की बात है, सिरिंज हमारी ये है, सिरिंज में हमारा होता है 0.5 की मार्किंग होती है इसमें, और 0.5 लेते हैं और उसको इंजेक्ट करने के बाद ये लॉक हो जाती है। तो अभी जैसे भैया आए थे तो हमने इसको इतना लिया, पूरा इतना लिया और इतना मैंने बंद कर दिया, और इतने में ये लॉक हो जाती है, तो कुछ खींची नहीं खींचे, खींचेंगे तो ट्री टूट जाएगा, और उसके बाद अब कटर करके कट कर देंगे। अभी देखा जाए तो एक बज गया अभी, और अभी 10 लोग आ रखे हैं, एक वाइल पूरी कम्प्लीट हो रखी है अभी, तो वो शाम के 3:30 बजे तक हम सेशन करते हैं। वैसे सेशन 4 बजे तक होता है, 3:30 बजे तक हम इसलिए करते हैं ताकि वेस्ट ना हो, अगर 3:30 बजे बाद 10 लोग आते हैं तो हम पूरा 10 एक वाइल यूज़ करेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि वाइल जितना वेस्ट ना हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा।